रीवा की पोथर सीट पर रोज बदल रहे हैं चुनावी समीकरण। डैमेज कंट्रोल के बाद भाजपा में फिर पड़ी बड़ी दरार। एक होने के बाद सिद्धार्थ और श्यामलाल में फिर बढ़ी दूरी। श्यामलाल के नाराज होते ही पोथर की चुनावी हवा ने फिर बदला अपना रुख। कांग्रेसियों के मुंह में भाजपाइयों को नाराज कर रहे हैं सिद्धार्थ। कांग्रेस छोड़ने के बाद भी सिद्धार्थ का कांग्रेसियों से नहीं खत्म हो रहा है मोह। कहीं श्यामलाल की नाराजगी बिगाड़ न दे भाजपा का समीकरण। जानिए क्यों नाराज है श्यामलाल और कैसे बदल सकता है चुनावी समीकरण। मध्य प्रदेश में महज 12 दिन बाद चुनाव होना है। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल साबित पड़ रहा है। प्रत्याशी इन दिनों हर वह पैंतरा आजमाने की कोशिश में है जिससे उनसे चुनाव में फायदा हो सके। ऐसे में वह इन दिनों नाराज गधे को भी अपना साथी बता रहा है। दरअसल यह हाल इन दिनों सभी विधानसभा क्षेत्रों का है, लेकिन रीवा की पोथर सीट पर सब कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाने के बाद एक बार फिर नाराजगी का घड़ा फूट पड़ा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पोथर के सिटिंग विधायक श्यामलाल द्विवेदी और भाजपा कैंडिडेट सिद्धार्थ तिवारी के बीच चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग की। खबर है कि सिद्धार्थ तिवारी और श्यामलाल द्विवेदी के बीच शुक्रवार को हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के बाद एक बार फिर से बड़ी दरार पड़ गई है और श्यामलाल द्विवेदी ने सिद्धार्थ से दूरियां बना ली है। दरअसल सिद्धार्थ और श्यामलाल के बीच बड़ी दूरी की बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के बाद इसकी चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। चर्चाओं के मुताबिक सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा पोथर के ही स्थानीय कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल कराया गया, जिसके बाद से श्यामलाल ने उनसे अचानक से दूरी बना ली। हद तो तब हो गई जब श्यामलाल द्विवेदी मंच छोड़कर जनता की भीड़ में जाकर बैठ गए और कार्यक्रम खत्म होते ही वापस लौट गए। यहां पर मंच से बार बार उन्हें बुलाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और जाते वक्त जब मीडिया ने उनसे नाराजगी की वजह पूछी तो उन्होंने हंसकर टाल दिया और खुद को जनता का बताया। नहीं नहीं, थोड़ा सा इस समय आपको यहाँ कहे वहाँ जगह नहीं, आपको जगह। आप मन से हट कर क्यों बैठे हुए थे? हट के नहीं बैठे मैं। अरे यार शांत रहो। मैं बैठा रहा जनता के बीच का, मैं आदमी हूँ, जनता के बीच भी बैठा रहा। चर्चाओं के मुताबिक विधायक श्यामलाल द्विवेदी की नाराजगी के पीछे बड़ी वजह थी और वह वजह एक कांग्रेस नेता का भाजपा में शामिल होना था। बताया जाता है कि सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे कौशलेश द्विवेदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों भाजपा की सदस्यता दिलाई, जबकि कौशलेश द्विवेदी और श्यामलाल द्विवेदी के बीच 36 का आंकड़ा है। ऐसे में कौशलेश के शामिल होते ही अब श्यामलाल ने सिद्धार्थ से दूरी बना ली और अब श्यामलाल के साथ साथ उनके समर्थक भी सिद्धार्थ से नाराज हो गए हैं। फिलहाल भाजपा के अंदर चल रही नाराजगी के इस दौर में पोथर का चुनावी समीकरण और हवा दोनों ही एक बार फिर विपरीत दिशा की ओर बदलती नजर आ रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि श्यामलाल की नाराजगी और भाजपा प्रत्याशी दूर कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि श्यामलाल को हल्के में लेना या फिर कम आंकना भाजपा की बड़ी भूल हो सकती है और इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। फिलहाल देखना होगा कि श्यामलाल की नाराजगी अब क्या रंग लाती है।